जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपेल नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बीएसएफ कॉन्स्टेबल का जेम डेट के बारे में दोस्तों बात करें। आपका जो पेपर था गाइस पोस्टपोन्ड हो गया है। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, आपका जो पेपर था गाइस बीएसएफ कॉन्स्टेबल का गाइस जो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। और गाइस इसमें टोटल पोस्ट इसमें आपकी कम से कम 600 प्लस थी, ठीक है? तो गाइस आपको कौन सा फॉर्म है ये जो आपका ये पोस्टपोन्ड ये एग्जाम हुआ है, तो हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। आपको गाइस ये पूरा वीडियो देखना है, अगर आप चाहते हो देखना कि आपका कौन सा पेपर है ये और कौन सी इसमें पोस्ट थी आपको, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना गूगल ऑन कर लेते हैं हम, या फिर आप करना आपको जॉब अलर्ट, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब अलर्ट जो साइट है यहाँ पे आपको आना है, तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। फ्रेंड्स फर्स्ट लिंक पे देखिए, फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम आपको इस साइट पे आ जाना है। तो मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों नीचे आइए आप, फ्रेंड्स नीचे आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बीएसएफ कॉन्स्टेबल जीडी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ गाइस बीएसएफ ऑप्शन पे, ठीक है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बीएसएफ कॉन्स्टेबल 2020 कॉन्स्टेबल जीडी एग्जाम डेट पोस्टपोन्डेड गाइस, इसमें आपकी टोटल पोस्ट 1356 पोस्ट थी। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर 1356 कॉन्स्टेबल जीडी, ठीक है? टोटल पोस्ट थी 1356, ओके? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 1356 हो गई। और दोस्तों नीचे आइए, तो फ्रेंड्स हमें आपकी मिनिमम एज थी 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए थी, ओके? और ये जो फॉर्म थे गाइस आपके 10th बेस पे थे, आपको पता ही होगा। और अब मैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स देखिए आपकी इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे 600 प्लस थी, आपको पता ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी गाइस बीएसएफ की पोस्ट थी और सीएसएफ की पोस्ट थी। अगर मैं आपकी टोटल पोस्ट मान के बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी देखिए 1356 हो जाती है, ठीक है? और अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट बांटी हुई है। बीएसएफ में आपकी 618 पोस्ट थी, फेमेल की 119 पोस्ट थी, सीएसएफ में 566 पोस्ट थी और फेमेल की 63 पोस्ट थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आपका पेपर गाइस 14 अप्रैल को होना था इसी महीने में, तो आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है। तो मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है, ठीक है? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एग्जाम डेट पोस्टपोन नोटिस, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये नोटिस गाइस ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स ऊपर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ऑल कैंडिडेट हु वेयर डिक्लेयर क्वालिफाइड पीएसटी पीएटी हेल्ड इन द मेन मंथ नवंबर, देखिए गाइस जो आपका पीएसटी पीएटी हुआ था उनके लिए है ये, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 2019 इन कनेक्शन विद रिक्वायरमेंट इन रेली मोड टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी मेल फेमेल इन बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, जिसमें जो इसमें आपकी दो पोस्ट थी गाइस बीएसएफ की और सीएसएफ की, उनका पेपर ये जो रिटर्न टेस्ट था गाइस जो आपका होना था 12 मतलब कि शायद 12 अप्रैल को होना था, ये पोस्टपोन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 12 अप्रैल 2020 वेक ऑफ कोरोना वायरस सीओडी, जो कोरोना वायरस चल रहा है इंडिया में उसके चलते इस पेपर को कैंसिल करके आगे की डेट अभी आई नहीं है। ये पेपर गाइज मान लीजिए आपका कम से कम अप्रैल चल रहा है, मई या फिर जून में आपका पेपर होने की आशंका है। मान लीजिए मई या जून में कम से कम पेपर होगा आपका, अभी काफी खतरा चल रहा है, आपको पता है काफी वायरस चल रहा है इंडिया में, तो इसके चलते पेपर नहीं हो सकता। ये मान लो कि जून के लास्ट में पेपर आपका होगा अभी, तो आप ये आपके पास काफी मौका है तैयारी करने का, तो अपनी तैयारी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा नोटिस आप देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे था शेड्यूल डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन अलोंग द विद वेन्यू विल बी पब्लिश्ड इन बीएसएफ वेबसाइट, गाइस जो आपकी जो न्यू डेट आएगी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आप डाउनलोड कर देंगे या फिर वहां पे अपने आप नोटिस डाल देंगे, आपको वहां पे चेक करते रहना है। आपका पेपर गाइस जून में होगा कम से कम, बेकाओ में किसी के ना आइएगा, अपनी तैयारी मन लगा के कीजिएगा। आपकी जितनी भी तैयारी मतलब अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो थोड़ा हार्ड कीजिएगा ताकि आपको पेपर से क्वालिफाई हो पाए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स ये तो इतनी सी बात थी गाइस, आपका ये नोटिस था मैंने आपको दिखा दिया, आपका जो पेपर था गाइस वो पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों नहीं था दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे भाई बंधु चैनल पर नया आए हुएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आज वीडियो।